तो गाइस आज के इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इस तरह की वायरल फोटो जनरेट करना। अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ इस तरह की फोटो जनरेट करना तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर पर आ जाना है। ब्राउजर पर आने के बाद सर्च पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है बिंग AI जनरेटर। सर्च होने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको साइन अप कर लेना है, तभी ये वेबसाइट वर्क करेगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले प्रॉम्प्ट को यूज कर लेना है जो मैं यूज कर रहा हूँ। और इस प्रॉम्प्ट में आप जो GH Elite नेम है उसकी जगह नेम चेंज कर सकते हैं। और नेम चेंज होने के बाद सिंपली आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो की क्रिएटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, जब तक फ़ोटो जनरेट होती है तब तक। तो यहाँ पर हमारी फ़ोटोज़ जनरेट होकर आ चुकी है। तो अगर इन फ़ोटोज़ में आपको कोई भी मिस्टेक लगे या सही नहीं हो फोटोज़, तो आप फिर से इसी प्रॉम्प्ट में और भी फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करोगे तो सेम इसी प्रॉम्प्ट में और भी फ़ोटो जनरेट हो जाएगी। इसमें भी थोड़ी देर लोडिंग चलेगा, तो आपको वेट कर लेना है। वही सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगी। तो यहाँ पर हमारी और भी फ़ोटो जनरेट होकर आ चुकी है। इनमें से अगर जो भी फ़ोटो आपको अच्छी लगती है और आप गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो उस फ़ोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करके आप डायरेक्ट गैलरी में फ़ोटो को हाई क्वालिटी में सेव कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।